रास्ता भुला न तेरे हम खाने मेरे भैया, रास्ता भुला न तेरे हम खाने मेरे भैया, रास्ता तो दिया ना बताई। जब ऐसी बात कही कमला ने तो एक बतिया ग्वाल पूछन लागो, जा बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ से आई हो, कहाँ को जा रही हो, का तुम्हारो नाम है। कमला कहने लगी, ए भैया शहरा को रे तीरे रहने वाली मेरे भैया, शहरा को रे रहने वाली मेरे भैया, कमला है नाम हमारो। मेरे बेटा की रे शादी उठी मेरे भैया, मेरे लल्ला की रे शादी उठी मेरे पिरना, भात मांगन मैं तो जाए रही हूँ। मैं लला हिरई को ब्याह उठो है शहर गोरा में, शहर लोहा से मैंने सगाई रोक ली है, लेकिन टीका चढ़वा लिया है सो काली पहाड़ी पे भैया खुशाल सिंह के यहाँ भात मांगने को जा रही हूँ। ईटा खोए में शहर, ईटा खोए में अपने भैया उड़ा भूरा के यहाँ भात मांगने के लिए जा रही हूँ। अब हम रास्ता भूल गए हैं तो वहां पर एक बार कहने लगो, अच्छा तू जा बताओ भाई कमला है तू, कमला भैया कमला, अच्छा तू कमला है, हाँ कमला हूँ मैं, कमला कमला है तू, हाँ अरे काली पहाड़ी में रहती पहले, हाँ हमने तो पहचानो ही ना, हमें क्या पता कौन है, हम तो जा कहाँ रखा हूँ ना, तो भैया हमारे यहाँ ट्रेन जाओ तो महिला में, हाँ भैया कहीं दाल सिंह कहीं तो मैं वही छोटी ही नहीं पहले छोटी सी, तो घर के देखो हम दूध दिन जा करते ना, देखो तू देखो ज्यादा दूध ले ले करती हम से गया हूँ, दूध ले करे करती हो पी ले करती हूँ, तो मैं बारी छोटी है तो मामा से आनी हुई है, मेरे ब्याह हुआ हुई है, अच्छा एक लला हुई है लड़का हुआ है, अरे मां डारे कमला तेरे लिए लबड़ा हुआ घर के है तो संगे संग के, हाँ हमारे मुसरिया बच्चा तो नहीं भाव भाई तक, ए भैया तो ना मालूम आदमी की तो उसर खेती हो के कहां से हुए हैं, अच्छा आदमी ना हो, हां उसका, अरे तो आदमी बेकार समझे जाए के हूं, रास्ता बता दे भैया हम भूल गए, अच्छा तो ऐसा कर दे बता ना दिल, देखो सामने जो शहर में जा रहा हो ना जब चलो गो काली पहाड़ी के लिए, अच्छा और देखो जो इधर बारो शहर जो है सीधो चलो गो ईटा खोए के लिए उड़ा भूरा के यहाँ के लिए, अच्छा हाँ दाहिने हाथ तो चली जाएगी काली पहाड़ी पहुंच जाएगी और बाएं हाथ हो जाएगी ना तो तू ईटा खोए पहुंच जाएगी, समझ ले चचेरे कह रहे भैया, हाँ और तू हमारा देखो कहाँ करेगी जाके देखो काली पहाड़ी में, क्यों अरे तू बात तू अपने भैया ही चक्कर में, देखो खुशहाल सिंह के, हाँ अरे कमला तेरे भैया खुशहाल सिंह को तो बहुत बुरा हाल है, अच्छा और आप तो वहां से खुसरा खुसरा गए थे सब लोग, हाल मात पूछे खुशहाल सिंह राजा के, हाल मात पूछो रे खुशहाल सिंह राजा के, हम से कहे ना हाल जाए रहे, बढ़िया कहने लगे एक कमला सुन ले, मुंजा कंधाना कमरा लांगो तारे भाते, मुंजा कंधना रे कमरा लांगो ता भाते, कमर फोटो पासर पहला दो है हाथा कुरुपिया कंधा थर फसिया रे कमला, हाथा कुरुपिया रे कंधा कर पसियार बाटे, भूरन पे घास बाउताओ खीले दिहा, आए भैया क्या कह रहो तू, सही कह रहो कमला, आए मेरे भैया बावनगढ़ के राजा खुशहाल सिंह आए उनको बावनगढ़ में राज तो सिंह के लिए तुम कह रहे हो घास छीन सहेंगे, आए अरे घास कमर को टोपा कमर को लंगोटा मेरे भैया, और का अब तो खुसला खुसला कहे तो तेरी भाभी जो है सामल, हाँ तेरी भाभी जो सामल है, सामल के भाभी हमारी यहाँ पे बनियन के यहाँ पिसने पिसने ही है, सामाल भाभी बतेरी किसने तो पीस है रे, सामाल भाभी तेरी तब हूँ गुजारो नाए रहो है, कमला कहने लगी तो ऐसी गरीबी मेरे भैया पे आए, ऐसी गरीबी मेरे भैया आएगी, सही बात कह रहे हो, और का तब रोटी ना मिल रही है, तीन तीन दिन रोटी ना मिलते मेरे भैया, और का जगह झूठ मत बोलियो, अरे सही बोल रहा है झूठ क्यों बोलेंगे, कमला ने जब ऐसी बात सुनी दिमाग खराब हुई, कमला पान लगी आए बताओ
अच्छा जा बताओ हमारे बेचे तेरा तहरा भैया किनके हाल कैसे हैं? अरे उनकी कुछ मत पूछो, उनके तो लक धक है। मैं तो इस टाइम एक बार कहने लागो, सिंगा मर मार के रे महिला तो महिला उनके, सिंगा मर मार के रे महिला तो महिला रे कमला मखीरा पटके गिर जाती है ना। कहने लागे ईटा खोल में तेरे चचेरे तेरे भैया उनके काऊ बादी कमी ना है। कोई कमी ना है बता मत चलने। हाँ हेमंत और रंडिन के पतरीन के नाच हो रहा है रोजाना। अच्छा दारू चल रही है और देखो खूब मीट खा रहे हैं, मुर्गा खूब सूचा मजा। अरे कोई कमी ना है उनके, कोई कमी ना है और का। लेकिन एक बात क्या बतावा, मेरे भैया पर गरीबी कैसे आएगी, साल से गरीबी कैसे आई? गरीबी का लगा उड़ा भुरन छीन लो सब उनको, राज पर छीन लो मेरे सगे भैया और का। मेरे प्यारे भाइयों जब आज अपने भाइयों का हाल सुना है कमला ने, तो कमला कहने लगी अपने देवर विजय सिंह से, हे देवर एक काम करो, अब आप ये लड़िया जो है अब इधर रीता खोल शहर के लिए मोड़ दीजिए, इसलिए मोड़ दीजिए। आई गई गरीबी जब मेरे भैया पर देवर, आई गई गरीबी रे मेरे भैया पर देवर, कहां कर कहां मैं जाए के हुआ करूंगी। हाँ जब गरीबी आई तो हुआ जाए करूं का, अरे इससे कोई मतलब नहीं है भाभी। अरे मैं भाग भाग रहा हूं मेरे लावा बहू का, एक बाइक नहीं है पूछना तो मैं ले ले का, और मेरे मड़ाई के नीचे पीठ भारी का करे उतार से मुन ना जाऊं। जगह कराए चाहो ना करे, लेकिन भाई साहब जो है धीर सिंह ने ये कह दिया है कि मेरे सगे साले जो है खुशहाल सिंह उनके बात मांग के जरूर आना। अरे उनकी काबे को ऐसे लगाए रहे अपनी लगाए ना रहे, उनकी कहते उन्हें कही सो कही तुम चला दे, जो मैं कह रही सो काम कराओ। अरे ना ऐसा करो, चलो पहले काली पाड़ी के लिए खुशहाल सिंह के पास। मैं तो ना जाऊंगी रे बताओ नंगा तेरे द्वारे, मैं तो ना जाऊंगी रे बताओ नंगा तेरे द्वारे, घर पे बहु का हाल है आवे गुहा, पेट कोरे तू तो तन कोरे नंगो देवर, पेट कोव तू कोरे तन को बहु नंगो देवर, घर के न कहो आए के ला जावे गुहा। चलो जरूर मैं कतई ना जाऊंगी, कतई ना जाऊंगी लगाओ है तो तुम्हारो भैया भैया चाहो गरीब हो चाहो अमीर हो इससे का मतलब। चलाओ मेरे प्यारे भाइयों बार बार विजय सिंह समझाते हैं कि देखो भाभी कमला मान जाइए भैया की बात का ध्यान दीजिए। धीर सिंह भैया का कहना था कि पहले सगे सारे खुशहाल सिंह पर काली पहाड़ी में भात मांगना, और अब तुम जिद कर रही हो कि ना चलूंगी ना चलूंगी ना मानती हो तो फिर एक काम करो चलो हमारी का बात। अब मैं भैया साफ साफ कह दूं चल के हाँ मेरे प्यारे भाइयों, तो जैसे ही अब लड़िया आगे के लिए कमला और विजय सिंह बढ़ाते हैं शहर ईटापुर के लिए, काली पहाड़ी को छोड़ दिया है, सगे भैया भी भात मांगने के लिए नहीं जा रही है कमला गरीबी के चक्कर में। तो आज मेरे प्यारे भाइयों जब शहर ईटापुर के लिए लड़िया चली हैं, तो रास्ते में धीर सिंह के साले खुशहाल सिंह जिन पर बड़ी ही गरीबी है आज हाथ में खुरपिया और खरपसिया लेकर के घास छीलते हुए नजर आते हैं, तो रास्ते में कहने लगे लड़िया रोक करके विजय सिंह से, काली वाले रे काली रोक ले उठता काली वाले रे, काली क्या रोक और दत्ता एक तो बीड़ी मोहे पे आईया होगा, तुम्हारी बीड़ी को रे भूनना है भूल रे भैया तुम्हारे होका तोरे, भूनना है भूलाओ भैया भारी एहसान मानो तुम्हारो जिया, भारी गरीबी रे मोसाए दुखिया पर धत्ता, भारी गरीबी रे मोसाए दुखिया पर धत्ता, दर दर मैं मारो मारो फिर रहो हाँ।
जाता नहीं रे दुनिया काऊ दीनाथ रे, राजा कहा नहीं रे दुनिया दुनिया ढासे रो मोसे कह रही है हाँ। नदिया जो होती रे पूला बांधव को मेरे दादा, नदिया जो होती रे पूला बांधव तोरे दादा, घुमटा की माला बांधा पाए दे दुहा। चिठिया जो होती रे पाचा सुनो तो मेरे दादा, चिठिया जो होती रे पाची सुनो तो मेरे दादा, करम नाए पाचो मो पे जाए रहो हाँ। हाथन सरे कलमा चलाई रे मैंने, इन्हीं हाथन सरे कलम चलाई रे मैंने, इन्हीं से घास मैं तो छील रहो देखी गरीबी रे मैं विजय सिंह भैया, देख के गरीबी रे साल सिंह की बात ना पीढ़ी तो कबे आए दहीना। अरे प्यारे भाइयों, जब विजय सिंह ने ये बात देखी और ऐसा हाल देखा और रोना बिलखना देखा जब खुशाल सिंह का घसियारे के रूप में, तो एक बीड़ी निकाल के दे दी और कहने लगे भैया पी लो। जय है खुशाल सिंह ने तौलो भाई कौन से काम, और तीन दिन आपको भूखो खुशाल सिंह रोटी मिली है ना है। और जैसे ही बीड़ी पी है दत्ता और नशा हुई गयो तन में आज, और गिर पड़े खुशाल सिंह है बादिना। तो भैया सुनो हमारी बात, जब थोड़ी देर के बाद में होश आओ तो विजय सिंह के कान लागे खुशाल सिंह है भैया अरे तुमने यार भले मन तो ऐसी कौन सी चीज हमें प्याय दे जाओ, ऐसा नशो नशा दे दो जो देखो हमें तो भारी नशा हुई हम गिर पड़े। अरे भैया देखो घसेरे ऐसे कोई बात ना है, हमने तुम्हें कोई ऐसी चीज ना पियाई, हमने तुम्हारे लिए सादा बीड़ी पिलाई, सादा बीड़ी पिलाई, सादा बीड़ी बेच तुम्हारे दे दी हमने, जा बताओ तुम्हें नशा हुई हो हाँ। तुम्हें जब बताओ पहले देखा हो तुम्हें रोटी कब से ना मिली, तो भैया तीन दिन भूखे हुई है और छह दिन हुई है बीड़ी ना मिली, छह दिन बीड़ी ना मिली, इसे ही ले तो तुम्हारे लिए नशा हुई हो। अच्छा जा बताओ आप लोग कहाँ रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो, जाओ तुम्हें बताओ। हम देखो हम रहने वाले हैं शहर गोरा के, शहर गोरा के रहने वाले हैं। काबले में तो कहाँ रहने वाले हम, शहर गोरा के रहने वाले हैं, शहर गोरा जहाँ राजा धीर सिंह है जहाँ विजय सिंह है अरे हाँ देखो धीर सिंह जो है हाँ। तो हमारे बड़े भाई हैं वो वहाँ के राजा हैं। अच्छा हाँ भाई है, हम उनके छोटे भाई हैं विजय सिंह नाम हमारा, आप विजय सिंह हैं, अरे आप विजय सिंह हैं, आप विजय सिंह हैं, आप विजय सिंह हैं। अच्छा अरे एक बात तो सुनो, तो धीर सिंह के घर में तो हमारी एक बहन कमला है, कमला हाँ धीर सिंह तो हमारे बहनोई है, तुम्हारे आप ही हमारे बहनोई बने, छोटे बहनोई विजय सिंह। ऐसा है देखो हमारा नाम विजय सिंह है और कमला जो है उससे तुम अपनी बहन बताते हो, कमला वो डोले में बैठी हुई है देखो कंगा है और क्या, सही बात मेरे जीजा, मेरे सारे जीजा सारे आज तो सही बात, बिल्कुल सही बात है, नहीं मानते चल के देख लो, देखो वो डोले में बैठी हुई है, ले लो कमला बैठी नहीं ले लो मेरी जिया और मेरी बहन गंगा, ये बात झूठ तो ना बोल रहे, नहीं चल के देख लो तुम हाल गरीबी को मेरे भैया, खुशहाल सिंह ऐसे ऐसे बतलाए, और सुन के खबरिया अपनी बहना की तो मन में क्रोध भर गयो, अपने ऊपर गुस्सा आता है कि आज ऐसी हालत में मैं अपनी बहन कमला का मुख देखूंगा और अपने छोटे बहन विजय सिंह का मुख देख रहा हूँ, हे भगवान, तो अपने तन पर गुस्सा आता है, अपने नसीब पर गुस्सा आता है, फिर भी कहने लगे जीजा जी एक काम करो तो मेरी बहन के पास चलो, मुझे ले चलो। अब आप ये बताइए इधर कहाँ के लिए जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं ईटा खोए के लिए, ईटा खोए के लिए हाँ। क्या बात है, भूरा भूरा जो है हमारे भैया है चचे के तहरे हाँ। तो उरा भूरा के पास हम लोग जा रहे हैं बात मांगने के लिए, क्योंकि राजा धीर सिंह जो हमारे भाई हैं, तुम्हारी बहन जो कमला है हाँ। उनके लड़का जो हेरई है उसकी शादी है, कहाँ से, लोहागढ़ से, शहर लोहागढ़ से, शहर लोहागढ़ से। अच्छा अच्छा हाँ मेरे प्यारे भाइयों, कहने लगे विजय सिंह की सगाई रोक ली है शहर लोहागढ़ से, और इसलिए हम भाग मांगने के लिए जा रहे हैं ईटा खोए शहर के लिए, ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास, और तब है खुशहाल सिंह आगे कौ बढ़ गए और पहुंच गए हैं अपनी बहन कमला के ढिंग जाए, और वहीं बैठा रहे हैं आज विजय सिंह, तब कैसे विजय सिंह से भरन लगे हैं जवाब। ए जीजा जी एक काम करो, अरे हमारे भैया
रही से हम गरीब हैं, कोई बात नहीं। एक काम करो, पहले भात मांगने के लिए हमारे यहाँ चलो। हमारी कोई बात नहीं। हाथ तो जोड़ के रे अरजा गुजारी मेरे जीजा, हाथ जोड़ के रे अरजा गुजारू मेरे जीजा, चरण मैं शीस मैं नवाऊंगा। चली आओ ना चली आओ रे मेरी झोपड़ी में करे जीजा, चली आओ ना चली आओ रे मेरी झोपड़ी में करे जीजा, झोपड़ी की शोभा हो जाएगी ना। चलो मेरे यहाँ चलो, हमारी झोपड़ियों की भी शोभा हो जाएगी। विजय सिंह कहने लगे, साले साहब अरे हम तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी बहन कमला जो है वो चलेगी नहीं, और हमें मालूम है वो जाएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी गरीबी का आलम है और वो तुमसे बहुत नाराज हो गई है तुम्हारी गरीबी को देख करके। और अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो जाओ चल करके अपने आप पूछ लो अपनी बहन से। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज पहुंच जाते हैं खुशहाल सिंह और अपनी बहन कमला से कहने लगे, जिया राम राम। राम राम कैसी राम राम, कहा राम राम कहां से आए हो नंगा यहां? अरे ललो मैं तेरा भैया। अरे मेरे कोई भैया जो है ना से पता भाग जाए यहाँ से। अरे ललो मैं तेरा भैया हूँ, कमला को देखता हूँ मैं, खुशहाल सिंह हूँ खुशहाल सिंह। अरे हाँ देख लो। अरे काली पहाड़ी में राजा हो तो भूल गई मेरे। हाँ हाँ भूल भूल ना गई, कुछ ना चुप्पा चल गया भाग जाए यहाँ से, नंगा तू है कौन मैं राजा तो कौन है तू। देख के गरीबी रे पादिन फिर नाटी मेरे पंचो, देख के गरीबी रे बातें सुनाओ मेरे बिरला बहना नैनाए पहचानो जी हाँ। ऐसी मुसीबत सब का ऊपर मेरे करता, ऐसी मुसीबत सब का ऊपर मेरे करता, कब हम कम दिया नारा बुराई ए बहन। देख मैं तेरा सगा भाई हूँ, तू कह रहा हूँ सगा भाई हूँ, सगा भाई हूँ तो मेरे कोई ना चुपा भाग जाइए यहाँ से। चली आओ ना चली आओ रे मेरी झोपड़ी निकारी बहना, चली आओ ना चली आओ रे मेरी झोपड़ी निकारी बहना, झोपड़ी की शोभा हो जाएगी ना। हिराई भानाए जाके तुम तो प्यार तेरी बहना, हिराई भानाए जाके तुम तो प्यार तेरी बहना, तू ये तो बात सुन भाई जल्दी ना। ब्याह के अगर विभाग मेरे यहाँ गाय देगी तो मेरे मेरे घर परिजन की शोभा हो जाएगी और मुंह बड़ी खुशी होगी। तू चुप्पा भाग जाइया तो नंगा तेरे ही जाएंगे हम, तेरे यहाँ का लेने जाएंगे। कमला कहने लगी, आगा लगा दूंगी तेरी झोपड़ी न मेरे नंगा, आगा लगा दूंगी तेरी झोपड़ी न पर नंगा, काली पहाड़ी ना जाऊंगी। हट जा रे हट जा मेरे आगे तेरे नंगा, हट जा रे हट जा मेरे आगे सर नंगा, तन मैं तो बद तू तेरे पाए रही हाँ। बहन बहन मेरे कह रहा हूं मैं आ जाऊंगी तो कहने लगे खुशहाल सिंह, आज बिगड़ गई मुझसे तो किया कीजिए, आज बिगड़ गई मुझसे तो किया कीजिए, लातन भूषण से बहना मार रही जी, कैसी करो मैं कहा कर डालू जी,
कैसे मन राखूं मैं समझाई हे भगवान मैं कर्म को पूछो जी कैसी विपदा दैया रघुराई बहुत कुछ समझाते हैं खुशहाल सिंह लेकिन कमला नहीं मानती तो कहने लगे पाई दीना का बहना तुम तो भूल गई जी एक दिन कैद छुटाई जी जाकी जी हे बहन आज देर में गुस्सा आ रहा है मुझ पर मेरा वक्त बिगड़ गया है लेकिन वो वक्त भी तू एक दिन था जो याद कर कि जब मेरे बहनोई राजा धीर सिंह की जेल हो गई थी और यही भांजा हिरई मेरा तेरी गोद में 6 दिन का था तू सौर में बैठी हुई थी और तूने जब मुझे खबर दी तो मैं तेरे यहाँ पहुंचा और जा करके मैंने अपने बहनोई राजा धीर सिंह की कैद कटाई और उस दिन का देख लड़ाई में जो मेरे चोट लगी थी तो उस तलवार का निशान आज भी मेरे हाथ में है और तू उस एहसान को भी भूल गई और आज इसी भांजे के ब्याह के लिए मैं दुर्भाग लाने के लिए अपनी झोपड़ी में चलने को कहता हूँ तो तू धक्के मारती है बहन लात मारती है जो है ना अच्छी नाली नहीं तेरी जो है ना इतनी बुरी बातें लग रही है कहीं छुरी चल रही मेरे चल बच्चे बच्चे चलो जाइए तेरी शक्ल देखो ना चाह रही नाच पीटे नाच रहे तो हम तेरी कलिया का डर चुप चली जाइए चलो जाइए ना बड़ी है गरीबी है खुशाल पहली खुशाल सिंह निधना बन गए थी दुनिया मोसे कह रही जी ताई से बहन नींद नहीं जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बार बार जब समझाया और कमला जवेर की बात नहीं मानती है और धक्का दे करके और लड़िया आगे बढ़वा देती है विजय सिंह मजबूर हो जाते हैं विजय सिंह जब मजबूर हो जाते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों कहने लगे कोई बात नहीं साले साहब हम तो चल रहे हैं तो उन्हें चाहिए एक काम कराओ निर देर के ठहरे रहो जीजा जी मैं अपनी रानी सामन को बुला करके लाता हूँ अरे मैंने तो आपके दर्शन कर लिए हैं बहन महनोई के और मेरी रानी भी आपके दर्शन कर लेगी ज्यादा बढ़ावा कौन मेरे गाँव जी ज्यादा कौन करे बकवास अब जी रानी सामलदे दुर्गादास जो बनिए थे उनके यहाँ किसने पीस रही थी कहने लगे ए रानी एक काम करो सामल बहन बहनोई यानी विजय सिंह और कमला आए हुए हैं भूलन पे और भात मांगने के लिए जा रहे हैं ईटा खोए शहर के लिए तो चलो तुम भी दर्शन कर लो चल करके और हमको दर्शन करे आए हैं मेरे प्यारे भाइयों कहने लगी सामल हे प्रिया अरे तुमने दर्शन कर लिए लेकिन कुछ दिया नहीं होगा खाली हाँ दर्शन करना पाप है इसलिए हमारे तुम्हारे मान है और हमारे पास तो कुछ है ही ना है और मैं अगर दर्शन कराऊंगी और पैर छूंगी तो उन्हें कुछ देऊंगी तो जरूर तो देऊंगी का मेरे ढेर कुछ है ही ना है कि मेरे ढेर कुछ है ही ना है मैं देऊंगी का कहने लगे कुशाल सिंह निंदना कहन लागो ए रानी कल हमने तो मान लाए घास भेज के पैसा दाए से रुपये पैसा कहाँ है दे दी पैसा चल के दे दियो खाली हाथ पैर छू लिए घर के दोनों ने हमने छू लिया तुम छू लिया चल के तो मेरे प्यारे भाइयों कहना पड़ा बढ़ावा रे भैया ज्यादा बढ़ावा रे
मैं बढ़ावे भैया बात न कोनो प्राणी चल भय हां ननदानन दोई रे आई गए तुम्हारे सामने ननदानन दोई रे आई गए तुम्हारे सामने गाड़ी बैठारी मैं भूरा न पैरा ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे ज्यादा कौन करे बकवास और जाय के पहुंच गए हैं राजा कुशाल सिंह और रानी सामल ए भैया अपने बहन बहनोई के पास 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 पास